फाइनली लेके आ चुके हैं बाटला, हमारा बाटला जो खत्म हो गया था और अभी मैं एक हाथ से चला रही हूँ, कैब डर रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हमारा बाटला आ चुका है इतनी मेहनतों के बाद। हाँ कैब आज जाएंगे, और देखो कैसे गया था, आज जाएंगे कल जाएंगे आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते हमने इतना दिन खींच लिया। खाने की रेसिपीज देखो खाली मेरी औरत की, क्या क्या खाने की रेसिपी है, तो सिर्फ मैंने अंडा फ्राई करने के लिए गैस, कुछ खाना ना नहीं बनना था घर में, और मेरी तबीयत सही नहीं है। बनाना तो पड़ेगा, बनाना चाहिए तुमको, नीचे से लाके दे दे कितना, एक डजन दो डजन, एक डजन दो डजन, मेरे को बोलने ना मेरे मुँह में छाला आ गया, मेरे को बात तक करने नहीं हो रहा है, मेरा होट पूरा चाला तुम्हारे वजह से ही हुआ चाला, तो ये पूरा होट फट चुका है। मेरे को लगता है आजकल मुझे अभी पान ना मीठी सुपारी कुछ सूट करने नहीं वाली है, बहुत गंदा वाला दर्द दे रहा है। मैंने वो कल एक पान खा ली, देखो इधर से होट मेरा कट गया था, तो यहाँ पर पूरा वो कत्ते की पप्पी मिली, कत्ते मुझे लगता कत्ता ज़्यादा डाल दिया था, तो यहाँ पर ही होगा, जबान दोनों तरफ से छिल चुकी है। और अभी मैं तो कल का ही कपड़ा पहनी, क्यों क्योंकि कई के लिए भी नहीं मैंने, हाँ मैंने बोली अभी मैं दूसरा अभी पहनूंगी तो गंदा हो जाएगा, और ये साफ ही था मेरा कपड़ा, ज़्यादा टाइम भी पहना हुआ नहीं था, तो मैंने बोला अभी यही पहन लेती हूँ फिलहाल। और अल्हम्दुलिल्लाह घर भी देखो क्या क्लीन हो गया है, और कैफे ने देखो बालकनी, क्या आज सुबह उठी ना मेरी ऐसी आँख खुली तो ऐसे सीधा बालकनी देखा, मैं एकदम घस वस के लड़का साफ कर रहा था, और मेरा आदमी बहुत अच्छे आदमी है, सिलेंडर्स लगा रहा है सिलेंडर्स, तो गाइस आप लोग से मिलते हैं मैं बाद में। अभी मैं आया था नीचे बाजार लेने के लिए, और शिरिन को जैसे मुंह में आ गया है छाला, शिरिन को मुंह में छाले आ चुके हैं, तो उसके लिए मुझे दवा भी लेनी थी, तो सामने वाले आंटी के पास कोई दवाई थी, तो शिरिन ने बोला कि उनको पूछ लो, आंटी को पूछा, फ़ोटो लिया दवा की, और जाके वो दवा भी ले लिया, और सामान भी लेके अभी जाता हूँ ऊपर, और ऊपर जाके आपसे। तो गाइस अभी जाके शिरिन का ख़त्म हुआ है काम, शिरिन आज फिर से कपड़े धो रही थी जो पेंडिंग थे थोड़े बहुत, वो भी उसने धो दिया आज ही, मैंने उसको बोला आज मत धो, उसने बोला नहीं माइट एज़ वेल घर में ही है तो आज ही धो के ख़त्म कर देती हूँ, बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ है नहीं करने के लिए, तो अभी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है इन यूट्यूब पे, और अभी शिरिन गई है खाना बनाने के लिए किचन। शिरिन खाने में बना रही है आज खिचड़ी और भुर्जी बना रही है, ऑमलेट खिचड़ी बना रही है और भुर्जी बना रही है। अब ये नहीं बोलना कि खिचड़ी और भुर्जी की भी रेसिपी बताओ, क्योंकि हर किसी को आती है। हाँ शिरिन ये बहुत बेसिक चीज़ है, वो हर किसी को आती है खिचड़ी और भुर्जी बनाना, तो इंशाल्लाह कुछ और जब शिरिन और कुछ बनाएगी तो तब हम लोग आपको बताएंगे। मेरा प्लान था कि आज शिरिन चिकन बनाए, उसका उसके स्टाइल का जो चिकन ग्रेवी वो बनाती है वो बनाए, बट उसको नहीं हो रहा है, तो उसने बोला कि मुझसे नहीं होगा तीखा भी खाने के लिए, तो मैं कुछ और बनाती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है भुर्जी बना देना, कुछ नहीं बस मैं तो लेटा हुआ ही हूँ, शिरिन अभी खाना बना लेती है, देखते हैं फिर अभी थोड़ा टाइम साफ से। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, इतनी सारी चावल का भी जजमेंट नहीं आया है कैफ, चल चलता है कोई नहीं, इतने दिनों के बाद बनाई हूँ खाना, उसको भी तुम ऐसा बोलेंगे, माशाल्लाह खुशबू तो आ रही है, थोड़ा ऊपर से घी डाल के देती, घी डाले ली उसका बगैर घी का ही कर लो, क्या बात है। और यहाँ पे है खुला गरम है बस, मैंने नरम खिचड़ी का निकाली हो मेरे लिए, तो मेरा कम निकालेगी रे पागल, नरम खिचड़ी बनाई क्योंकि शिरिन के मुंह में पूरे छाले हो चुके, यस अब मेरे को चबाना नहीं आएगा। और बुरांगा, और ये रही गर्मा गर्म भुर्जी जिसमें से धुआं नहीं निकल रहा, जबकि इसका ही गैस सबसे लास्ट मैंने बंद करी। ठीक है अभी अच्छे से खाना खाते, बस खाना खाते फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। और देखो वहाँ पे शिरिन के लिए आम भी रखा हुआ है, आम बादामी मिल ही नहीं रहा है, तो मार्केट में खत्म हो गया, एक जो बचा था वही खा लेंगे अभी, खाएंगे
खा लेंगे, चिरेन खाएगी अभी। ठीक है चलो खाना खा के मिलते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे जुम्मा की नमाज पढ़ के, और सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से जुम्मा मुबारक। और शिरेन अभी जैनब दीदी के साथ में ही है, और मैं आया था अभी नमाज पढ़ के, अभी मैं जा रहा हूँ रेनकोट लेने के लिए। मेन में आया था घर पे क्योंकि मैं जा रहा हूँ घाटकों पर मिसल लेने के लिए, वहाँ का मिसल बहुत फेमस है। तो शिरेन को भी खाना है, दीदी को भी खाना है, तो मैं बोला चलो मैं जाके लेके आ जाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पर, तो वहाँ जाके मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ घर के नीचे मिसल लेके, और मुझे शूट करना था बट बारिश इतनी हो रही थी तो मैं शूट नहीं किया। मैं रेनकोट वगैरह देख लो आप पहना था, तो अभी जाता हूँ पहले खाता हूँ, बहुत भूख लगी, उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे जोर से बोल, आवाज नहीं आती। अब मेरे से ज्यादा जोर से आवाज नहीं निकलेगी, लोग कमेंट करेंगे बोलेंगे अभी शिरीन को नया काम मिल गया, शिरीन अभी घर का बर्तन वर्तन धो लिया। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जैनब की तबीयत थोड़ी खराब है क्योंकि उसको पानी में हाथ डालने से एलर्जी है। तो ये बर्तन उसके रखे हुए थे, मैंने धो के डाल दी थी, बट कल उसके घर में आ जाएगी काम वाली। फिर अगर वो इतना सारा एक टाइम पे देख लेगी ना तो वो भी नहीं आएगी, तो इसके लिए मैं बोला धो के दे देती हूँ, तो वो भी थोड़ा आराम कर, उसको मालूम नहीं है कि मैं बर्तन धो लूँ। और आज इंशाल्लाह देखेंगे कुछ नई भी चीज़ आएगी शायद, बोल तो रही है जैनब कि टीवी लेना है, तो देखते हैं अगर आज आती है कल आती कब आती क्या। और बारिश होकर का नाम है, मेरा मन था कि मस्त जाने का था मुझे घूमने, बट अब मेरा मूड थोड़ा सही हुआ, हल्का सा सही हो गया ना दवा से। क्या इसके लिए बाहर जाने का ना, कल जब सही नहीं था तो घर में बैठा रहना था, नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं उसल मिसल खाई ना चल रहा था। तो कोई ना, अभी देखते हैं अगर बारिश रुकती है, नहीं रुकती तो रेनकोट पहनेंगे दोनों, जाएंगे मस किधर। ऐसे तो मेरा मरीन्स जाने का मन था। बाप रे कितना मरीन्स करती है यार जी। ठीक है तो मरीन्स नहीं तो हम बैंडस्टैंड जाएंगे। बारिश गाड़ी चलाना बोले तो बहुत जान पे आता है। ठीक है आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कितना खुश है, क्यों है खुश? टीवी आने वाली है। ये सभी जा रहे हम लोग टीवी लेने के लिए। समदानी को बहुत दिनों से बोलता टीवी चाहिए, इधर टीवी नहीं लगाए थे अभी तक, सजेस्ट नहीं किए थे कि बड़ी ले लेंगे या छोटी लेंगे। नहीं बड़ी बड़ी चाहिए इसको, तो अभी देखेंगे। चलो बड़ी भी लेगी क्या? नहीं ऑटो में बैठ चुके, दो ऑटो करे आगे है अब्बा और जैनब, और पीछे हम तीन तिराना काम पे गए। कहाँ जा रहे हम लोग? टीवी लेने। ये इसके लिए घुस रहे हम लोग, और संभाली लोग कह रहे देखो संभाली की छतरी में अंदर देखो। और भैया ने ऑटो वाले भैया ने 3 रुपए नहीं छोड़ा साला, मैं 10-10, 20-20 रुपए छोड़ती हूँ। जैनब अगर तू वहां से फिसली ना सीधा रिवर्स में आएगी, वो भी फिसलते हो मस्त, शूट करती रहूंगी मैं आगे गिरी। हाँ आदमी की चप्पल में नहीं। अब्बा कहाँ गया? अब्बा पहले भाग गए थे अंदर, तभी हम लोग भी भाग रहे हैं अंदर। बारिश भी चले, नाइटी में आई है ये लड़की, बारिश भी चालू है मस्त, काला बादल भी जा रहे हैं। छातड़ा बाहर रख गया आपका, देख रहे ये देखो ये दिख रहा है फ्रेम में, देखो हां एक्चुअली में तो लग रहा है फ्रेम लगी हुई है। टीवी दिख रही है ना मेरे को, टीवी भी समझ नहीं आता आज तक, टीवी भी दिख रही है। हम लोग टीवी देखते नहीं, सिर्फ समझाने की वजह से लेना पड़ रहा है। ये एक पसंद आई है और एक ये वाली पसंद आई है, अब दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा है कौन से लेवे। मैंने देखा है जेबीएल का स्पीकर, समझ नहीं क्या है बेटा, ताला है क्या ये? ताला दिख रहा है, आईफोन से महाराजा को बोला अभी आईफोन से, टीवी लेने का था टीवी ले लिए, अब आईफोन के पीछे पड़ा है। टीवी ये क्या है? क्या पर्स? और ये चिट्टम टीवी पसंद कर लिया, जो मेरे पसंद की थी वही आई, और
ले लिए अभी, इंशाल्लाह कल तक डिलीवरी हम लोग को मिल जाएगी, कल आ जाएगी टीवी। और समदानी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे जा रहे घर की तरफ। था हमारा घर पे जाने का, बट बाहर निकलते निकलते अब्बा ने बोले कि जाएंगे हम लोग पार्टी करने होटल समदानी के नवे की खुशी में पार्टी। तो होटल की छतरी देखो गाइस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल के लिए, और बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस दांत का दर्द और पकौड़े का दर्द बहुत दर्द हो रहा है ना। दवा नहीं लगाई ना तूने भाई? पूरी भाजी बोलो बोलो। और ये लोग ना पहले ऑर्डर दे दी इडली, सेम ऑर्डर करी इडली और समदानी के लिए मेंदू वड़ा, क्योंकि पूरी भाजी आ चुकी है। देखो मजे ले लेके गरम गरम मेंदू वड़ा खा रहा कैसे। हाँ वाह, क्या किया अभी तुमने, क्या किया ये तो बताओ। कुछ तो किया अभी तो बेटे बेटे, क्या किया? कर लिया नाश्ता और अच्छा मजा के। बहुत टाइम बाद हम लोग ये होटल में आए, और ये चंबू स्टेशन में ही है। गुरु कृपा नहीं यार, मेरे को हांगीता भवन, सॉरी मेरे को ना यहाँ पर हमारे इधर ना तीन होटल है, और मेरे को ना तीनों होटल में कंफ्यूजन होता है, एक गीता भवन, एक गुरु कृपा और अपना सदगुरु, ये सब में मेरे को कंफ्यूजन होता है, मेरे को पता नहीं क्यों। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे जा रहे हैं हम लोग घर पे, तो आपसे डायरेक्ट मैं अभी घर पे पहुँच के मिलती हूँ। थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बारिश तो बारिश भी हो ही रही है, बारिश तो रुकी नहीं है, तो अभी कुछ प्लान भी नहीं बन सकता, क्या पता अगर बन जाए। नहीं बनेगा, देखते। तो गाइस अभी घर पर आए, तो अभी मैं खा रही हूँ ये खारी, मैं खा रही हूँ ये खारी 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 क्या खारी सिर्फ खारी 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 को खारी खारी खारी, 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 खारी। तो अभी वाला मेरा तो अभी मैं मेरी पैकेज खोल रही, जैसे कैश पता है मांग रहा है, बट मैं उसको दे नहीं सकती क्योंकि उसने उसके लिए केक लिया था, तो उसने वो केक खा चुका है, तो मैं मेरी चीज़ क्यों दूँ इसको। लेकिन एक ही लिया था मैंने केक, अभी वो जितने पीस है उसके हिसाब से नहीं लिया ना मैंने। इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। सो अभी मैं खा रही हूँ खारी 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 यस सिर्फ खारी 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 खारी। घर पे ही बैठे और बारिश रुकने का नाम तो ले नहीं रही है, तो खाना तो मैंने आज कुछ बनाया नहीं फिलहाल। मैंने सोचा कि कुछ ग्रेवी व्रेवी लेके आ जाएंगे कैफ बाहर से, तो हम राइस, बारिश ही नहीं रुक रही है, तो मैंने बोला कि शायद ग्रेवी लेके आ जाएंगे तो मैं कम से कम चावल बना दूंगी, बट बारिश ही नहीं रुक रही है, बारिश अभी भी काफ़ी ज़ोरदार चल रही है। सो और काफ़ी लोग कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि शीरिन चीज़ों का जवाब दो, शीरिन चीज़ों का ये दो। मैं चीज़ों का जवाब नहीं दूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। और बोलते हैं ना जो क्या बोलते हैं कि वो के कौवों के चिल्लाने से ढोल नहीं रुकते है ना, आज मेरे अब्बा ने बोले मुझे, बेटा कौवों के चिल्लाने से ढोल नहीं रुक रहे, चिल्ला ले ढोल तो अपन ही बजा रहे ना, तो ढोल थोड़ी रुकने वाले। सो ऐसा है, तो चीज़ों का जवाब मैं तो नहीं दूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर देंगे। और जिसको मालूम भी बहुत जल्दी पड़ेगा, जिसको जो करना है वो करो। और किस इतनी इस्लाम दीन में तुम हो, तुमको इतनी सारी तालीम है, तो ये भी शायद तुमको पता होगा कि किसी के घर में गीबत करना, किसी के घर में जाके मिर्ची डालना, फिर अल्लाह अल्लाह करके उनको भड़काना पीछे से कैप के रिएक्शन दिख रहे रहेंगे, अल्लाह अल्लाह करके उनको भड़काना, तो वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अपन नहीं बोल सकते, अपन आलिम नहीं है, yes. अपन कारी नहीं है, अपन कुछ ही नहीं है, yes. अपन नहीं बोलने का। जो मैं, है अल्लाह, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुझे समझ रहे हैं तो उनको
लव यू ऑल। और बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, मैं तो वो चीज बताऊंगी नहीं कि क्या कमेंट्स थे। और गाइस नेक्स्ट व्लॉग ध्यान से देखना, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हमारा छोटा मोटा सा वन आर के वन रूम किचन वाला घर, वन बेडरूम हॉल किचन का घर है, वन बीएचके का घर। हाँ, जो भी छोटा मोटा अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला घर हमारा देख लेना। गरीब खाना हमारा, हम बहुत गरीब है, सो हमारा गरीब खाना देख लेना। और मैंने तो महल को ठुकरा के, मैं गरीब बोलते ना गरीब खाना अपनाई हूँ, मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ। पर भाड़े के घर पे नहीं, खुद के घर पे रहती हूँ, है ना। अब्बा ने बोले बोले आज मुझे बेटा तुम खुद के घर में रह रहे हो, भाड़े के घर में नहीं रह रहे हो, तो खुशी से रहो, मुस्कुराते रहो, खाओ पियो अच्छे से। यस, सो अभी देखते हैं, अगर बारिश रुकती तो कैफ कुछ ना कुछ लाते, एंड कर देती हूँ ना, एंड कर देगी क्योंकि सो काफी लंबा भी हो जाएगा, भी हुआ तो फिर ऑर्डर करना पड़ेगा बारिश। यस, और ये तो मुझे पान की पप्पी मिल चुकी है कत्ते की पप्पी मिल चुकी, कत्ता नहीं चुना बोले ना तुम, चुनने की पप्पी मिल चुकी है। तो फिर भी मैं अभी कल से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कल से तो थोड़ा ज्यादा ही बात कर पा रही हूँ, कल कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ यहाँ तो पूरा हो चुका है। तो जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है उसके लिए थैंक यू, जो भी मुझे समझ रहा है उसके लिए भी थैंक यू, और जिसने भी मेरी मेहनत जो भी चीज़ है जो भी मेरी हो या कैफ की हो देख के वो चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट किया उसके लिए दिल से थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी मुझे लोग है ना समझ पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत खुशी होती है जब लोग इतना प्यार देते हैं। यस, सो अपनों से नहीं गैरों से तो बहुत प्यार मिल गया मुझे, तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस, और मैंने कभी भी कोई व्लॉग में कोई ताने कोई तूने मैंने मारा नहीं है, और मारा है तो दुश्मनों को मारा है, और जिसको जिसको खुद पे लेना है वो ऐसे फ्री में ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दान में बहुत सी चीज़ें दे देती हूँ, ठीक है। और जितनी आग लगानी है लगाओ, एक दिन छोड़ दो सब बातें, आग तुम्हारे भी घर में लगेगी, अल्लाह ना करे। तो कोई ना, वक्त सबका आता है, बीतती सब पर है। और गाइस थैंक यू सो मच के बहुत से लोगों ने आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे दिए हमें कि उस फ्रेम के ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वॉल जो खाली पड़ी उस पे क्या करना चाहिए। तो और घर बैठे में भी हम क्या करें वो भी बहुत जल्दी आप लोगों ने मतलब बहुत सारी चीजें बताई है ना, कि घर बैठे बैठे आप लोग ये चीज कर सकते हो, सजेशंस दिए जो मैंने बोले थे, सजेशंस दिए लोगों, तो बहुत अच्छा लगा कि लोग हमें इतना समझ ये इतना सब कुछ समझ के इतना सब कुछ आइडिया वाइडिया दे रहे। तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, और हाँ एक चीज का आप लोग को क्लियर करना है कि अफवाह फैल रही है कि कैफ जो भी है कि भाई कैफ ड्राइविंग करता है या फिर शिरिन उठ छूट अपने घर पे चली जाती है जो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग करता है, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने हमेशा कहा है, पहले भी कहा है, पहले की काफ़ी व्लॉग्स में कहा है, लोग बस बड़ा चढ़ा के मेरे घर में जाके कुछ भी बोल देते हैं, तो वो तो समझ बाद में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जो करता है वो खुद समझता है वो किसके लिए कर रहा है और किसके लिए करता था, है ना। तो उसमें हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपत्ति नहीं है। यस, बस प्रॉब्लम थी तो वो लोगों से थी जो लोग बेफालतू का जज करते थे कि कैब ड्राइविंग करता है व्हाटएवर इट इज, बस लोगों से प्रॉब्लम थी। बट कुछ लोगों ने उसको ऐसा घुमा के कहा है, तो जितना घुमा रहे हो ना वही घूमते घूमते कहीं तुम्हारे यस चलते फिरते कंधे पे लटकने की झोल खाने की आदत है ना, तो किसी दिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि ऊपर का जब हुक टूट गया ना तो झोलने सीधा गोल हो जाएगा आदमी। यस, और जितनी उंगली कर रहे हैं ना वो इंशाल्लाह उंगली भी तुम्हारे तो कर लो, अभी तुम्हारे मजे जितने मजे करने हैं। मेरे को इतना मालूम है कि मेरे ये वर्डिंग के बाद है ना सामने वाला रिएक्ट करेगा। यस, और मैं चाहता हूँ रिएक्शन हो। यस, तो कोई ना, बस यही खत्म होता आज का हमारा दिन, और वीडियो पसंद आई तो हाँ सॉरी, एंड करने से पहले एक और चीज़ बोलनी है, झगड़ा हर घर में होता है, ठीक है। मेरा मिस से नोकझोंक हो गई है, आई डू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हूँ, मैं थोड़ी एग्रेसिव हूँ, है कि नहीं कैफ। और इस चीज़ पे से लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं कि शिरिन तू ऐसी है तू वैसी है,
तो मैं इज्जत से बोल रहा हूँ ये चीज मत करो, क्योंकि आप लोग हफ्ते कोई चढ़ा ना फिर बख्शिश नहीं है किसी, और आप लोग को पता भी नहीं कि अंदर चीज हुई क्या हुई क्या है और क्या रीजन है। बस इतना कहूंगी कि भाई वो कितना भी हो मेरी माँ है, मैं गुस्सा होंगी जब मुझे ऐसा फील होगा कि नहीं यार मैं एक्सट्रीम पे चली गई हूँ, मैं जरूर जाके, ऐसा भी नहीं, मैं अभी भी माफी मांग सकती हूँ। और बस कुछ चीजों को वक्त लगता है, तो इंशाल्लाह ये बोलते ना बुरा वक्त होता है तो बुरा वक्त गुजर ही जाता है, हर रात के बाद एक सुबह तो जरूर आती है कि नहीं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कितना भी झगड़ा तो होता रहता है कि नहीं। मैं कैफ की मम्मी से भी लड़ लेती हूँ, बाद में जाके मैं सॉरी भी बोल लेती हूँ, फिर बाद में मैं मेरी माँ से भी लड़ लेती हूँ, मैं बाद में जाके सॉरी भी बोल लेती हूँ। मैं हूँ थोड़ी एग्रेसिव, मैं हूँ थोड़ी साइको सी बच्ची, थोड़ी ज़िद्दी हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह कैफ तो है, संभाल रहा है, और कब तक है कब तक है कब तक नहीं है वो मुझे तो नहीं पता, बस जब तक हूँ इसी के साथ रहूंगी, और चाहे लोग कितनी भी मिर्ची डाले, कितनी भी उंगली कर लो, कितनी भी उंगली कर लो, कितने भी बोलते ना आग में घी डाल लो, पर टूटेगा तो नहीं, और मेरा आदमी कहीं भटकेगा नहीं दूसरों की तरह, है ना। इतना तो खुद पे भरोसा है कि भटकने वाली नस्ल का तो नहीं हूं। यस, सो बस यही बोलना था, माँ माँ से तो होती रहती नोकझोंक, और सब नॉर्मल हो ही जाएगा। और बाकी जो आप लोग ने कमेंट्स करे जिसके बारे में, तो उसके लिए थैंक यू, इतना आप लोग ने मेरी हर एक छोटी छोटी बारीक बारीक दिल के अंदर घुस गए, बारीक बारीक चीजें पकड़ ली, उसके लिए दिल से थैंक यू गाइस, एंड आई लव यू ऑल, चाहे वो मेरे हेटर्स हो या चाहे वो जो मुझे प्यार करते हो, मुझे बस आप लोग की प्यार की जरूरत है। और जो हेटर्स है ना वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं आजकल, है ना। मैंने देखे है कि कुछ जो जो पहले बहुत बुरा बुरा बोलते थे, फिर उन लोग ने देखा रही है कि भाई क्या चल रहा है, तो वो चीज़ की वजह से उन लोग ने शायद मुझे इतना प्यार भी दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी लंबी बात हो गई, मैंने काफ़ी लंबी बात कर ली, तो सो बस यही खत्म होता है आज का हमारा दिन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, और आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने मिलेगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।